गाइस, तो ये मुंबई से भावली डैम का फुल डिटेल वीडियो है। मुंबई से अगर जाते हो तो आपको जाने का रास्ता बताता हूँ। सायन से कल्याण जाओ, 20 रुपया पर आदमी लगता है। फिर कल्याण से कसारा जाओ, वहाँ पे 20 रुपया पर टिकट लगता है। और फिर कसारा से शेयरिंग व्हीकल मिल जाता है जो 60 रुपया लेता है और इगतपुरी हाईवे तक छोड़ देता है। वहाँ से आपको ऑटो शेयरिंग मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है। तो हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने ऑटो रिजर्व कर लिया। वो हमको भावली डैम तक 300 रुपये में लेके गया था। और इस ट्रिप में खर्चा कितना हुआ हमारा, इस ट्रिप में खर्चा हुआ 2200 टोटल हमारा एक नाइट का। हमने इगतपुरी टेंट कैंपिंग से बुकिंग कर लिया था और उसमें खाना, चाय, नाश्ता और बाकी सारे इन्जॉयमेंट, जैसे कि आपने देखा तीर धनुष चला रहे हैं और सारी टेंट कैंप फायरिंग था। तो गर्मी का मौसम था इसलिए हमने कैंप फायरिंग का इन्जॉयमेंट नहीं लिया था। बाकी आप सबको अच्छा चीज़ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। आपको इसके आगे का वीडियो आप देखिए, आप फुल डिटेल आपको भावली डैम कब बना था, कैसे बना था और भावली डैम का नाम कैसे पड़ा, आगे का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो एंजॉय कीजिए आगे का वीडियो। हेलो गाइस, दूसरी बार वापस आ गए भावली डैम, क्योंकि पिछली बार ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया था, ड्रोन नहीं उड़ाया था और इंस्टा 360 के शॉट्स नहीं लिए थे, इसीलिए आया। और वो ये जगह मेरी वाइफ को बहुत पसंद आ गई थी तो उन्होंने बोला मुझे भी लेके चलो, तो उनको भी लेके आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? अच्छा है जगह। हाँ, अच्छा है जगह। जगह देख लीजिए आप लोग, एकदम मस्त वाला है। ये दरिया का किनारा है। हाँ, गाइस, हम लोग आए किधर, आए बावली डैम। बावली डैम पर आए बवाल करने के लिए। बावली डैम आए बवाल करने के लिए। जगह अच्छा लगा। चाय लेके आ गए हैं, चाय पीते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। लगी आइए बैठिए। डैम के किनारे दोनों जन बैठ के चाय पी रहे हैं और मजा ले रहे। मेरी भी पूछ रही आप लोग पियेंगे, बताइए। हाँ, आप पी लीजिए, मेरी बीवी ने चाय दिया, पी लीजिए। ये भावली गांव है, ये देखिए, और ये भावली डैम है। हाँ, पहले लोग बता रहे थे कि पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे डैम बनने के पहले, तो उन लोग को हटा के जगह दिया गवर्नमेंट ने वहाँ और डैम यहाँ पे बनाया। और ये डैम बना है तकरीबन 10 से 15 साल पहले। हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे दोनों जन, और बहुत दिन से भागने की फिराक में थे हम दोनों, भाग जाएंगे अब। तो ये बावली डैम का ना जो बांध बना है, वो बांध के लिए मैं आया हूँ। ये बांध कभी बना था भाऊ? ये मतलब 2005 मतलब इधर ही हमको इधर ये मकान हो गया ना, इसको 15 बरस हो गया है। अच्छा, मतलब ये 10 में या 5 में 2005 में 2005 में बना बांध। अच्छा, इसको बनवाने वाला गवर्नमेंट था कि कोई? गवर्नमेंट था, म्युनिसिपैलिटी की अपना ये सेंटर। तब उतना मेरे को भी मालूम नहीं। अच्छा, गहरा कितना है? बहुत है, बहुत गहरा है। कितना फिर भी?
500 मीटर 10 नहीं उतना नहीं होगा 100 मीटर 30 31 ऐसे 30 31 मीटर है। गाड़ी के बाद है तो बाद के ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ से गिरता है और पानी ना हो तो उधर से छोड़ते हैं। वो देखिए वो पाइप है वहाँ से छोड़ते हैं, उधर कुछ मोटर लगा हुआ है तो उस मोटर के से जरिए छोड़ते हैं ना। तो मैं भी सोचूं कि पानी जाता कैसे है, मुझे खुद नहीं पता था, मेरी बीवी पूछ रही थी कि पानी इतना नीचे है तो ऊपर जाता कैसे होगा, कल ही और बता रहे थे कल ही छोड़े थे तो पानी इतना कम कैसे हो गया और कैसे ऊपर आता था। तो उन्होंने बताया कि छोड़ने का जरिया अलग है, हम ही लोग गंवा रहे हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने। खाना आ गया, खाने में देखिए क्या क्या है आपको बताते हैं। दाल, मिसल, पापड़, भात, तरकारी, सलाद और ये मेरी बीवी पापड़ खा रही है।